जिंदाबाद एकता जिंदाबाद उम्मीद धनखड़े जिंदाबाद उम्मीद धनखड़े जिंदाबाद बीजेपी सरकार जिंदाबाद किसान विरोधी सरकार जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद शहीद किसान अमर रहे किसान अमर रहे चौधरी छोटू राम अमर रहे किसान एकता जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। आज भाई यहाँ पर पूर्व में कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ ने आज यहाँ पर आना था यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए। किसान जब अपनी रजिस्ट्री करावे जब तक बहन प्रशासन ने आज पूरा दबाव दे करके अपने एनओसी लेके आज यहाँ पर उद्घाटन करना था। 10 बजे का सरकार ने टाइम दिया था, 6 बजे ओम प्रकाश धनखड़ और उसके आदमी जो थे पहले उद्घाटन करके चले गए। आज यहाँ पर किसानों की जीत हुई है, किसानों ने एकता का परिचय दे करके किसानों ने इस जगह पर कब्जा किया है। ये कब्जा आपने दिखाई दे रहा, देखो ये कब्जा किसानों ने कब्जा करा कि ना करा। और अब ये जगह सरकार की नहीं रही, ये किसानों की जगह होगी है। ये परमानेंट धरना किसान करेंगे यहाँ पर। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज फिर एक बार पिछले 7 महीना में सिद्ध होया है कि हरियाणा में किसी पार्टी की सरकार नहीं, हरियाणा में किसाना की सरकार है। किसान जिसने चाहेंगे उसने अपने शहर में अपने गांव में गली में घुसन देंगे। निजुकर आज यो धनखड़ बाजिया है, 10 बजे का टाइम दे गया और 6 बजे उद्घाटन करके बाज गया। इतनी केतावल थी, तेरे स्वागत में तेरे क्षेत्र के जितना तू विधानसभा चुनाव लड़िया, ये सारे वोटर, ये महिला शक्ति, ये बुजुर्ग, ये सारे तना आशीर्वाद देना रहे थे। मारा आशीर्वाद ना था डिकार है। तो फिर तो हम धनखड़ तना कहेंगे पिछली सरकार में तना कर्म करे, क्योंकि हमारी आदत है किसान की बान न्यूनता अगला जितना गला ना उनका दूना गाल्या करा। हाँ तो पिछले तने काम करे थे तो बादली की जनता ने तेरा दूना न्यूनता गाल्या था। और आज जो किसान तेरे ताए कह दिया हमने क्लियर कट, जो किसान मोर्चा ने क्या है, जब तक मारे तीनों काले कानून पाछे नहीं हुए, जब तक MSP कानून नहीं बने, जब तक बिजली संशोधन बिल वापिस नहीं लिया जावे, जब तक पराली एक्ट वापिस नहीं लिया जावे, तब तक हम किसी भी बीजेपी JJP नेता ने अपने जिला के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर नहीं बढ़न देंगे। लेकिन क्लियर कट धक्के साई ये कहते हैं कि हमारी सरकार में कब्जे नहीं होंगे, हमारी सरकार में प्रतिष्ठा नौकरी नहीं चलेगी, या सरेआम नगर पालिका की जमीन के ऊपर, नगर पालिका की जमीन के ऊपर बीजेपी का दफ्तर बनाने की कोशिश करी गई है, जिससे सिद्ध हुआ है या सिरा पर सिर्फ भ्रष्टाचारी सरकार है। खुद खान खातर आए हैं, जो बात कही गई है कि हम दो हमारे दो, उन बात में कोई झूठ नहीं। मोदी अमित शाह, पहले तो लोगों ने तो कहा था मोदी अमित शाह की अंबानी अडानी, पर सच्चाई ये है अंबानी अडानी के मोदी अमित शाह, क्योंकि वे बड़े हैं, वे राज करने लायक रहे, ये सिर्फ कुटपुतली है। तो आज जो झज्जर की जनता जिस बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठी हुई, तो उस आदमी में इतना कालजा था और बीजेपी से इतनी मारगेल जताई करनी चाहो है। 10 बजे आवा है हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि था, तू तेरा स्वागत करते, बात करते, तेरे तक सवाल पूछते, जनता तो जवाब दिए बिना कदे किसी लीडर की पार नहीं पड़े। तो इस करके कोई भी बीजेपी JJP नेता ऐसी गतिविधि ना करे। तू 6 बजे कर गया उद्घाटन है, मूर्ति पूजा कर गया, उस मूर्ति पूजा पर किसानान काला झंडा, किसान यूनियन का झंडा किसानान यहाँ पर स्थापित कर दिया है, जो कि यो सिद्ध कराया कि हरियाणा में किसाना का राज है।